आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं वो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। वो यदि कह रहा है यदि a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d इक्वल टू e अपॉन f है तो बताइए ये पूरा ये किसके बराबर, मतलब क्या हो सकता है, सिद्ध करना है, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें दिया है उसको लिख लेते हैं। हमें दिया a अपॉन b, बराबर में दिया c अपॉन d और दिया आपको e अपॉन f, ठीक है। और इसको क्या मान लिया, k के बराबर मान दिया। किसके बराबर मान दिया, माना कि k के बराबर है। यदि मैं इधर से a का मान निकालूं तो a का मेरा क्या आ जाएगा, b k। c का निकालूंगा तो c का क्या आ जाएगा मेरा, d k। e का मैं यहाँ से निकालूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, f k, ठीक है। ये मेरे मान आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे को दिया क्या है उसको लिख लेता हूँ। तो मुझे दिया ये है कि 2 a की पावर 3 माइनस के 3 c की पावर 3 माइनस के 5 e की पावर 3, है ना। ये मुझे दिया हुआ है। और क्या दिया है मुझे अपॉन में, 2 b की पावर 3 माइनस के 3 d की पावर 3 माइनस के 5 f की पावर 3। और होल पावर कितनी चढ़ी हुई है इस पर, 1/3। अब क्या करेंगे, हम a का मान ऊपर रख देंगे। a का मान हमें क्या दिया है, 2, ये क्या हो जाएगा v3 और k3, है ना। ये हो जाएगा 3 d3 और k3। क्या होल पावर चढ़ी थी 5, ये हो जाएगा f3 और k3। अपॉन में मेरा क्या है, अपॉन में है मेरा 2 bq माइनस 3 dq माइनस के 5 fq, और ये होल पावर कितनी है, 1/3। अब आपको एक चीज तो पता ही है, आप लोगों को एक चीज़ तो पता ही होगी। आपको ये चीज़ पता होगी कि इधर से मैं k कॉमन लूँगा तो k कैसे निकलेगा, k की पावर 3 टाइप से होगा। किस टाइप से होगा, k की पावर 3 टाइप से। और ये आपका क्या लिखा है, ये आपका लिखा है 2 b की पावर 3 माइनस के 3 d की पावर 3 माइनस के 5 f की पावर 3, है ना। ये मेरा लिखा हुआ है। और अपॉन में मेरा क्या चल रहा है, अपॉन में मेरा चल रहा है 2 b की पावर 3 माइनस के 3 d की पावर 3 माइनस के 5 f की पावर 3, ये चल रहा है। अब आपको दिख रहा है ये पूरा सेम है तो ये कट जाएगा। क्या आपको पूरा दिख रहा है कि ये सेम है तो सेम क्या होगा, ये कट जाएगा। सेम आपको दिख रहा होगा ना, सेम है तो ये क्या हो गया, कट गया। और इस पे क्या चढ़ा है, 1/3। अब आप मेरी एक बात देखिए कि इधर बचेगा क्या, k की पावर 3 और होल पावर कितनी चढ़ी है, 1/3। 3 से 3 कट जाएगा और इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, k। क्या आ जाएगा, k। और ये ही मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।